आप सभी का स्वागत है। लखीमपुर खीरी के ईसानगर में किशोरी के साथ दुर्नीति की खबर के बाद आप नेता संजय सिंह ने गांव पहुंचकर किशोरी के परिजनों से मुलाकात करी। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश में जंगल राज के कानून से ज्यादा खराब है। उन्होंने इस घटना को लेकर जमकर आलोचना भी करी। लखीमपुर के ईसानगर क्षेत्र में किशोरी के साथ हुई बलात्कार के बाद हत्या की घटना के बाद आज राजनीति में भूचाल दिखाई दे रहा है। हमारे बीच में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य और संजय सिंह जी हैं जो अभी किशोरी के परिजनों से मिलकर आए हैं। हम इनसे बात करते हैं कि वो इस घटना पर क्या कहना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं, क्योंकि ये एकमात्र घटना नहीं, पूरे प्रदेश के हर जिले में हर गांव में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कहीं भी किसी बेटी के साथ बलात्कार हो जा रहा है, उसकी हत्या हो जा रही है, और यहाँ जो कुछ भी सुनने में आया कि पूरे शरीर को छत विछत कर दिया, मैंने दरिंदगी और हैवानियत की इंतहा आप इसको कह सकते हैं। तो मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि योगी सरकार को इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनानी चाहिए, जल्द से जल्द इसकी चार्जशीट दाखिल हो, न्यायालय में सुनवाई हो और 6 महीने के अंदर आरोपियों को उदाहरण बने, दोबारा कोई हिम्मत न कर सके। मैं जितने लोगों से मिला उन लोगों ने बताया कि भाई ऐसी घटना कभी हम लोगों ने न सुनी न देखी। मैं समझता हूँ लखीमपुर खीरी के इतिहास में ये सबसे भयावह और दरिंदगी भरी घटना है। और आज यूपी की जो हालत है उसमें पुलिस सुरक्षित नहीं है, पत्रकार सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, अपहरण का उद्योग चल रहा है यहाँ पर, और ये घटना फिर उसी का एक उदाहरण है। तो क्या स्टेप क्या मुझे मांग करते हैं? हम दो मांग करते हैं कि इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो, जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल हो, एक आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, उनके परिवार का कहना है उसकी गिरफ्तारी हो, और इसमें फांसी की सज़ा कम से कम उन दरिंदों को होनी चाहिए, दरिंदों को होनी चाहिए जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। संजय सिंह ने बताया कि उनके परिजनों से मिले, उनके परिजनों ने कहा कि एक आदमी की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, और इन्होंने मांग की कि जो आरोपी हैं उनकी फांसी की सज़ा होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऊपर इस मुकदमे को सुनवाई होना चाहिए ताकि 6 महीने के अंदर ऐसे लोगों को सज़ा मिल सके। लखीमपुर से के न्यूज़ के लिए आमिर रजा।